तो भाई ये है इनका एक खूबसूरत सा रूम, एक एरिया मैंने वो दिखाया था, तो एक एरिया ये भी है इनका। ये हो जाता है इनका बुफे, वो हो जाता है इनका सैलेड सेक्शन। बाकी ये यहाँ पे लिखा हुआ है अगर वेजिटेरियन है कि हम लोगों ने सब टेबल पे सर्व करा दिया है। तो अभी हम जो कहाँ, सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शबी अब्बास और आप देख रहे हैं आपके खुद का फेवरेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वक्त हम लोग हैं पुराने लखनऊ के सरफराजगंज इलाके में, और आज हम जहाँ पे जिस चीज़ को, जिस होटल को एक्सप्लोर करने आए हैं वो है अरमा होटल एंड रेस्टोरेंट, जो कि एरा हॉस्पिटल के बैक साइड पे है। तो आज इनका हम बुफे एक्सप्लोर करने आए हैं जो कि 499 में है, और मैंने सुना है कि 445 प्लस इनके पास आपको आइटम मिल जाएंगे खाने पीने के। तो आज इसी चीज़ को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, और मैं आपको बताता चलूँ कि ये पुराने लखनऊ का पहला ऐसा बुफे यहाँ को मिल रहा है, यानी पुराने लखनऊ का पहला बुफे है जो अभी तक हम, मुझको नहीं लगता कि पुराने लखनऊ में कहीं आपको अनलिमिटेड बुफे कहीं देखने को मिलता हो। चलिए जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, आज पूरे इसको होटल को हम एक्सप्लोर करेंगे, आइए हमारे साथ। तो चलिए पहले अंदर देखते हैं, अंदर के पहले एंट्रेंस देखते हैं और यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं वो, आइए वो देखते हैं, आइए हमारे साथ। नहीं, ये इनका मेन रिसेप्शन काउंटर है, तो बुकिंग वगैरह आप जो अगर आते हैं, अगर यहाँ पे, यहाँ मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, यहाँ पार्टी तो वगैरह हो सकती हैं, शादी वगैरह के आप पूरा ये बुक कर सकते हैं। तो पहले यहाँ का बैंक्वेट हॉल दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये खूबसूरत सा इनका एक बैंक्वेट है, यहाँ पे 50 से 60 लोग आराम से आप पार्टी कर सकते हैं, और इन केस आप किसी गेस्ट को आपको यहाँ रुकवाना हो तो उसका भी इंतजाम यहाँ पे। तो चलिए इनके जो रूम है वो भी हम आप यहाँ दिखा देते हैं हम आपको, आइए। तो भाई ये है इनका एक खूबसूरत सा रूम जहाँ पे आपको एसी मिल जाएगा, आपको ये कबर्ड हो जाती है, कबर्ड मिल जाएगी, प्लस यहाँ पे लैंप है, और फोन वगैरह से आप ना जो सर्विसेज हैं उसको आप बुला सकते हैं, टीवी वगैरह लगा है, ये हो जाता है इनका मेन्यू, कुछ मंगाना हो तो मेन्यू से मंगा सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत चीज आपको दिखाऊं, ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखो भाई, ये खूबसूरत सा इनका बाकायदा बाथटब लगा है, जो कि पुराने लखनऊ में तो मैंने भाई कहीं नहीं देखा, बाथटब लगा है, गीजर वगैरह लगा है, इसमें सर्दी का टाइम है। एक बहुत खूबसूरत, बहुत बारीकी से यहाँ काम किया गया है। अब हम चलते हैं ऊपर, इनका रूफटॉप भी पहले देखते हैं, फिर हम लोग बुफे को एक एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं लिफ्ट से, पहले इनका टॉप रूफ टॉप देखते हैं और वहां का नजारा देखते हैं, उसके बाद फिर हम आपको वहां ले जाएंगे जहाँ पे बुफे का हमारा इंतजाम किया गया है। तो भाई ये हो जाता है इनका रूफ टॉप रेस्टोरेंट। तो पहले आइए, पहले सुकून की जगह है, तो चारों तरफ से पहले मैं आपको दिखा दूं, और ये हो जाता है मूसा बाग का जंगल, और यहाँ भी एक अच्छे से आप पार्टी वगैरह कर सकते हैं। और मेरे इस साइड पे आएंगे तो ये आपका एरा हॉस्पिटल है, तो ये पूरा एरिया आप लोगों ने देख लिया, ये पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ ओपन में भी है, और यहाँ पे अपना नीचे बैठ के भी आप एंजॉय कर सकते हैं। चलिए इसका दूसरा पार्ट भी दिखा सकते हैं आपको, दिखा देते हैं एक ये ऊपर भी, यहाँ भी आपको लेके चलेंगे। तो चलिए यहाँ हम लोग चलते हैं इस साइड पे, एक एरिया मैंने वो दिखाया था, तो एक एरिया ये भी है इनका, यहाँ भी काफी ताजा स्पेस है यहाँ भी, और जैसे कि आप, मैंने दिखाया था कि ये आपका मुसाबाग का जंगल है। अब आपको मैं ऊपर ले चलता हूँ, तो ये सबसे टॉप फ्लोर पे हम लोग आ गए, इसे आप प्राइवेट कैबिन भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप आइए, अपने फैमिली साथ आइए, अपने दोस्तों साथ आइए, पूरा एंजॉयमेंट किए। और फिर से मैं बताऊं कि ये पुराने लखनऊ का सबसे खूबसूरत और पहला, या मैं अगर मैं ये कहूँ कि पहला रूफ टॉप है तो कोई गलत नहीं है, पुराने लखनऊ का पहला रूफ टॉप है, और पहला पुराने लखनऊ का पहला एक ऐसा बुफे है जहाँ पे आपको अनलिमिटेड मिलेगा 499 में। चले नीचे, नीचे चलते हैं, एक जगह आपको और दिखा देते हैं, आइए। तो एक पार्ट मैं ये दिखा दूं कि एक यहाँ पे भी, ये रूफ टॉप पे है, एक ये छोटा सा हॉल है, तो यहाँ भी आप बर्थडे पार्टी, फिलहाल अभी कुछ टाइम पहले यहाँ बर्थडे पार्टी चल रही थी, इसलिए बहुत देर में मैं यहाँ पे आया हूँ, काफी अंधेरा लग रहा होगा यहाँ पे, हो सकता है। और एक यहाँ भी बहुत खूबसूरत जगह है, ये भी आराम से, मुझको लगता है शायद 20-30 आराम से लोग यहाँ पे अली भाई आ जाते होंगे। तो ये भी एक है, ये भी आपके टॉप फ्लोर पे है, तो काफी जगह अच्छी जगह है ये, अगर आप आना चाहें तो बिल्कुल आए। अब चलते हैं हम लोग नीचे जहाँ पे हम लोग का बुफे का अरेंजमेंट किया गया है, तो वो भी चीज़ देख लेते हैं जिस मेन चीज़ के लिए आए, मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, तो मैंने सोचा इसके लिए एक थोड़ा सा, हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए शूट करने का, इसमें जो लेंथ ज़्यादा हो जाए, लेकिन दिखाऊंगा मैं सब कुछ आपको यहाँ पे, जो चीज़ यहाँ पे मौजूद है, आइए हमारे साथ। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं
उस जगह पे जहाँ पे हम लोग का बुफे लगा हुआ है। हालांकि मैं आपको पहले यहाँ दिखा दूँ कि ये इनका मेन्यू है जहाँ पे 45 प्लस आपको आइटम मिल जाएंगे। तो ये स्टार्टर इनका हो जाता है जिसमें चना जोर गरम, मतलब बहुत सारे रहेगा, एक एक नाम बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। सैलेड है इसमें, मेन कोर्स आ जाता है, रोटी है, ड्रिंक्स है, डिजर्ट्स वगैरह है। तो अभी हम लोग अंदर चलेंगे, तो अब चलिए एम्बियंस भी दिखा देते हैं। तो ये है कुछ इस तरीके का यहाँ का एम्बियंस, जो खूबसूरत एम्बियंस है, एक सुकून भरी जगह है, एक अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है और बहुत साफ सुथरी जगह है। और ये हो जाता है इनका बुफे, ये मैं आपको दिखा दूं, ये हो जाता है इनका बुफे, वो हो जाता है इनका सैलेड सेक्शन। बाकी ये यहाँ पे लिखा हुआ है अगर वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन के लिए यहाँ पे ये लगा हुआ है बोर्ड वगैरह, और इसी तरह नॉनवेज है तो उसके लिए यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड। और मतलब यहाँ पर आपको एक एटमोसफियर देखिए तो लगेगा कि हाँ भाई आप किसी बहुत ज़्यादा एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको 499 पे करना है आपको, और जितना चाहे उतना आप खा सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं, और जब हमारे आगे खाना सर्व होगा हम मिलेंगे आपसे तब। तो दोस्तों हम लोग ने बुफे में ना करवा के हम लोगों ने सब टेबल पे सर्व करा दिया है। तो अभी हम जो कहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, इतना एक बुफे है जो लिमिटेड इनका खाना है, कहाँ से शुरुआत की जाए। चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। ये पानी के बताशे हो जाते हैं इनके, ये इनके कॉर्न है, और ये इनका हो जाता है फ्राई राइस है विद नूडल्स हैं, इस तरह इनका ये हनी चिली पटेटो हो जाता है, और ये चिकन चिली शायद है ना, क्यों भाई चिकन है ना, चिकन चिली होगा, वेज मंचूरियन, हाँ सॉरी ये वेज मंचूरियन हो जाता है, ये चिकन 65 हो जाता है, ये डोमेस्टिक चाहे से लॉलीपॉप भी कर सकते हैं, ये हो जाता है पिज्जा हो जाता है इनका, और ये चिकन हॉट पैन हो जाता है, ये हरा भरा कबाब हो गया, ये मिक्स वेज हो गया, प्लस ये दो तरीके की यहाँ पे पेस्ट्री वगैरह है, कढ़ाई पनीर है, ये फिरनी हो जाते हैं, ये मीठे का सेक्शन पूरा हो जाता है, जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ। और ये हो जाते हैं इनके छोटे छोटे रसगुल्ले, ये मूंग दाल हलवा हो जाता है, ये राइस हो जाता है, चिकन कौरमा, ये हो जाता है बटर चिकन, और एक थाली हम लोग ने ये सजवा दी है, इसमें आपका पनीर, ये पूरा वेज थाली है, पूरी सैलेड है, और ये दही हो जाता है, ये मिस्सी रोटी और बटर नान हो जाती है, और ये हो जाती है इनकी फिश करी, ये बूंदी का रायता है, ये बूंदी का रायता है, और ये हो जाता है इनका चिकन बिरयानी, और ये तीन ये लाइम सोडा आ गया हमारे सामने। तो इतनी सारी चीजें हमारे सामने हैं, तो इसको हम लोग एक एक करके अभी खाएंगे। हालांकि यहाँ पे बुफे है, लेकिन बुफे में बार बार दौड़ के जाना फिर लेके आना, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो मैंने सब यही मंगवा लिया है आपके सामने, थोड़ी थोड़ी चीजें सब चीज मंगा ली है। तो फिलहाल आप इसको स्टार्ट करते हैं, और हर बार की तरह जैसे मैं बताता हूँ कि मुझे रील के लिए भी शूट करना है, तो उसके भी शूट साथ में चल रहा है। तो अली भाई ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिर खाऊं तो खाऊं कहां से। हाँ नहीं नहीं जो देखिए हम कहीं भी शादी में जाते हैं तो बताशे से स्टार्ट करते हैं, तो अभी इससे स्टार्ट करेंगे और ख़त्म देखते हैं कहां करते हैं। तो यहाँ की एक चीज़ मैं बताऊं कि फिर से मैं बताता चलूं कि ये पुराने लखनऊ का पहला ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको अनलिमिटेड बुफे मिलेगा, वो भी 499 में। यहाँ पे 299 वाला भी है, वो ब्रेकफास्ट है, उसकी टाइमिंग मैंने बता दी थी, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो भाई आप जितना चाहे उतना खा सकते हो, कोई पाबंदी इस पे नहीं है, 499 में है, इसका एड्रेस मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इतनी सारी बढ़िया बढ़िया आपको चीज़ें मिल जाएंगी कि आपको एक समझ लीजिए लग्जरी फीलिंग यहाँ पे आपको आएगी, जैसे मुझे लग्जरी फीलिंग आ रही है। हालांकि इनका एम्बियंस बहुत अच्छा है, हर चीज़ पूरा बुफे का इसमें यहाँ पे इधर लगा हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि वेज और नॉन वेज दोनों मिक्स करके मंगा लिया है। तो चलिए धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे तो सारी चीज़ तो मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें जो खाऊंगा मैं आपको जरूर बताऊं। तो स्टार्टिंग दोस्तों करते हैं ड्रमस्टिक से, तो उसको भी एक बार टेस्ट करके देखते हैं। काफी सॉफ्ट और जूसी है, और नहीं ये सारे मैंने झूठा कर दिया, देखो मैं पास से दिखाऊं कितना अच्छे से इसको बनाया गया, ये देखो भाई। तो उसको भी रखते हैं यहाँ पे और खाते हैं इनका पिज्ज़ा। हालांकि थोड़ा पिज्जा मैं खा चुका हूँ, थोड़ा और खा लेता हूँ। जो हो गया काफी टाइम, लेकिन अभी तक ये सॉफ्ट है। तो अगर आपके फैमिली में लोग आएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे यहाँ पे, इनके रूफ टॉप पे भी और यहाँ पे भी। तो अली भाई मैं सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। मेन कोर्स थोड़ा मैं सोचा प्लेट में निकाल लूँ ताकि सब इसको झूठा ना करूँ, और
ये हो जाते हैं इनके हरे भरे कबाब। ये देखो भाई, ये मैं नजदीक से दिखाऊंगा, मैं रजा भाई से कहूंगा जरा नजदीक से दिखा दें, इसको भी एक बार टेस्ट करते हैं। ये वेज हरे भरे कबाब हैं, इस पे स्टफिंग जिसकी पे काजू देखी गई है। मैं नजदीक से अगर दिखाना चाहूँ क्लियर को, इस पे काजू से इसको सजाया गया है। और बटर चिकन का देखते हैं थोड़ा, मैंने ग्रेवी ले लिया, थोड़ा ले लेता हूँ क्योंकि बाकी का भी चूर बाकी है, तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ और मिस्सी रोटी से एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। खट्टा पीटा, खट्टा मीठापन आ रहा है जो मुझको, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे जो ऐसी ग्रेवी इसकी अच्छी लगती है जो खट्टी मीठी टाइप की, जो बटर चिकन में होती है काफ़ी। देखिए सबका जायका अलग होता है, लेकिन मेरा जायका भी अलग ही है कि जो खट्टा मीठापन आता है तो खाने में थोड़ा टेस्टी लगता है। तो ये फिर नहीं हो जाती है इनकी, तो खैर अभी इसको नहीं खाऊँगा। और बाकी तो बताशे हो जाते हैं इनके। ये चीज़ मैं देख लूँ इनका ये क्या है। ये इनका वेज मंचूरियन है और टेस्टी है इनका। ये इनका चिकन 65 है ना, तो ये हो जाता है इनका चिकन 65। चिकन 65 से पहले मैंने शायद, मुश्किल होता शायद जेल कैफे मैंने एक्सप्लोर किया था, और सुबह आज खा रहा हूँ तो टेस्ट के मामले खैर ज़बरदस्त है। और आपको किसी लग्जरी वीआईपी रेस्टोरेंट का जो मज़ा है वो आपको यहाँ भी मिल जाएगा पुराने लखनऊ में अरमा रेस्टोरेंट में। तो बाकी इनका ये हो जाता है इनका चना जोर गरम, इसका नाम ही चना जोर गरम है, तो इसको भी थोड़ा ट्राई कर लेंगे। ये सिग्नेचर है, मुझको लगता है सिग्नेचर ही है। तो खैर ये देखिए भाई, इनका ये मूंग की दाल का हलवा है, ये भी पास से मैं दिखाना चाहूँगा। ये इनका हो जाता है मूंग की दाल का हलवा, और ये रसगुल्ले का साइज़ है। हालांकि जो हमारे साइज़ बहुत बड़े बड़े रसगुल्ले मिलते हैं, लेकिन एक छोटा साइज़ ले रखा है ताकि आपके मुंह में आसानी से इसको ये आ जाएं। बाकी तो मैंने दिखा दिया था कि पेस्ट्री वगैरह दो तरह की, चॉकलेट पेस्ट्री है और शायद उनको ये बटर स्कॉच पेस्ट्री लग रही है। अली भाई मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी एक बार मैं ट्राई करूँ। ये भी क्या नाम था इसका, हॉट चिकन हॉट पैन। काफी यमी है, अभी हमारे अली भाई ने भी खाया तो काफी यमी है ये। थोड़ा स्पाइसी है, ये थोड़ा टैंगी है। थोड़ा स्पाइसी, ये थोड़ा टैंगी है। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं और मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, क्योंकि अभी इसका काफ़ी शूट होना बाकी है तो उसको पूरा नहीं खाएंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ मैंने आपको टेस्ट करके दिखा दी हैं। इसका एड्रेस मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 499 इसका प्राइस है, मैं आपको बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, 499 प्राइस है। और पुराने लखनऊ का ये पहला बुफे है जहाँ पे आप अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, खुदा हाफिज़। It's not a game, it's a rage game.